आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपने ही खेमे में लोगों को सजोकर रखने में असमर्थ हो रहे हैं, अब सवाल ये कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा बदलना चाहते हैं, और अगर ऐसा है तो ऐसा वो क्यों करना चाहते हैं जिसकी वजह से कांग्रेस के दिग्गज नेता कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं। आइए विस्तार से इस रिपोर्ट में समझते हैं। जिन्हें डर लग रहा है वो पार्टी से जा सकते हैं। कई निडर लोग हैं जो कांग्रेस में नहीं हैं, ऐसे लोगों को आना चाहिए। वैसे कांग्रेसी जो बीजेपी से डरे हुए हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो आरएसएस की सोच में विश्वास रखते हैं। हमें निडर लोगों की बेहद आवश्यकता है, ये हमारी विचारधारा है। राहुल गांधी ने यह बयान 16 जुलाई 2021 को कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल के वॉलंटियर्स को संबोधित करते हुए दिया था। तब से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी में कई बड़े बदलाव देखने को मिले। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं है और अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। इसके बावजूद पार्टी में हर एक बदलाव घमासान पर हर पक्ष के नेता राहुल गांधी से मिलने के बाद ही अंतिम फैसला लेते हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कुछ ही दिन पहले एक बात को लेकर अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में अब कोई निर्वाचित अध्यक्ष नहीं रहा, हम नहीं जानते कि आखिर निर्णय कौन ले रहा। कपिल सिब्बल ने भले ही स्पष्ट तौर पर नेतृत्व का नाम नहीं लिया, लेकिन हालिया घटनाक्रम यह समझने के लिए काफी है कि बिना निर्वाचित अध्यक्ष वाली कांग्रेस पार्टी के भीतर फैसले आखिर कौन ले रहा। जिग्नेश मेवाड़ी और कन्हैया को पार्टी के सदस्य बनने के दौरान राहुल गांधी मौजूद रहे। अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा वे हमेशा राहुल और प्रियंका गांधी के साथ खड़े रहेंगे। सचिन पायलट बीते महीने 10 दिनों के भीतर ही 3 बार राहुल गांधी से मुलाकात करने पहुंचे थे। इसके अलावा 24 अगस्त को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव अपना विवाद सुलझाने के लिए भी राहुल गांधी से ही मिले थे। ऐसे में ये समझना मुश्किल नहीं है कि पार्टी अध्यक्ष न होते हुए भी राहुल गांधी भूमिका वही अदा कर रहे। ऐसे में सवाल ही उठता है कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा बदलने की कोशिश कर रहे। कांग्रेस की राजनीति को करीब से समझने वाले पत्रकारों का कहना है, आपको बताते चले कि निश्चित तौर पर राहुल गांधी कांग्रेस में बदलाव के लिए कोशिशें कर रहे हैं। वह कहते हैं पार्टी में बदलाव की बात राहुल गांधी ने जनवरी 2014 में जयपुर में कही थी। उस समय वह कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने थे और उस दौरान अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस का मूल्यांकन करना चाहता हूँ। जानकार मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में दो तरह के नेताओं की बहुतायत है, एक जो वफादारी की दुहाई देते नहीं थकते, जो चुनावी राजनीति में बहुत कामयाब है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी पर नजर डाली जाए तो अधिकांश सदस्य लोकसभा या फिर राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं है, जिसका सबूत 2014 और 2019 में मिल गया। ऐसे में राहुल गांधी को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा, लेकिन वह शुरुआत से ही बाहरी लोगों को ज्यादा महत्व देते रहे। हालांकि कांग्रेस पार्टी का युवा चेहरा और पार्टी की प्रवक्ता श्यामा मोहम्मद ये तो मानती है कि राहुल गांधी पार्टी में बदलाव की कोशिश कर रहे हैं। नए चेहरों को खासतौर पर महिलाओं को पार्टी प्रोत्साहित कर रही है, जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही उन्हें भी मौका देने जा रहे हैं। लेकिन वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी पर कहती है कि हर पार्टी में उथल पुथल होती रहती है, बदलाव होते हैं तो कुछ उथल पुथल भी होती है। बीजेपी भी तो उथल पुथल मचाए रखती है, यह बेहद सामान्य सी बात है किसी भी पार्टी में। हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और इसी कारण लोग नाराजगी भी जता सकते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि राहुल गांधी पार्टी में बदलाव तो करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, खासतौर पर नई पीढ़ी को मौके देकर। यह साफ है कि राहुल गांधी पुरानी जनरेशन को हटाकर एक नई जनरेशन को सामने लाना चाहते हैं, क्योंकि फिर अमरिंदर सिंह को हटाने का कोई मतलब ही नहीं है। अमरिंदर सिंह कांग्रेस के सफल नेता थे। राहुल गांधी के संदर्भ में यह तो स्पष्ट है कि वो जनरेशन चेंज लाना चाहते हैं। हालांकि स्मिता यह भी कहती है कि एक और जहां राहुल गांधी नई पीढ़ी को लाना चाह रहे हैं, वहीं इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि नए चेहरे रह चुके हैं जो हाल ही में कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं। कुछ लोग राहुल गांधी के बदलाव भरे इन फैसलों की तुलना इंदिरा गांधी के तत्कालीन बदलाव के फैसले से कर रहे हैं, लेकिन यह समझना भी बेहद जरूरी है कि इंदिरा गांधी तब सत्ता में थी। उन्होंने पार्टी के सीनियर लीडर्स को लेकर जो बदलाव किए वैचारिक आधार पर थे। यहाँ राहुल गांधी के संदर्भ में कोई विशेष मतभेद तो दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि राहुल गांधी को हम आइडियलिस्टिक कह सकते हैं, क्योंकि आइडियोलॉजिकल वो कितने क्लियर है यह पता नहीं लगता। कांग्रेस का एक धड़ा हालिया घटनाक्रमों से शुभ है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने अपना दुख और नाराजगी जाहिर की है। G23 यानी कि
कांग्रेस के 23 नेता जिन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी, उनके खाने के दांत कुछ और है और दिखाने के कुछ और, वो कहते कुछ और है और करते कुछ और। जब कांग्रेस फोरम पर मुद्दे उठाए जाते हैं तो वे सर्वसम्मति से ये कह देते हैं कि सोनिया गांधी जो निर्णय लेना चाहे, लेकिन बाहर आकर वे दूसरी बातें करने लगते हैं। सोनिया गांधी को G23 नेताओं की लिखी चिट्ठी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि उन्होंने अभी तक कांग्रेस नेतृत्व को चुनौती देने का जो उनका संवैधानिक अधिकार है उसका प्रयोग ही नहीं किया। G23 के नेता चाहते हैं कि पार्टी के जो बड़े और अहम पद हैं इनका निर्णय प्रक्रिया में वह खुद रहना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। यही चीजें उन्हें फूटी आंख नहीं सुहा रही। राहुल गांधी की खीज यही है, राहुल गांधी की खीज यही है कि पार्टी के भीतर कोई उनसे या कहता है कि उसने उनकी दादी के साथ काम किया, कोई कहता है कि उसने उनके पिता के साथ काम किया, कोई कहता है कि उसने उनकी माँ के साथ काम किया, तो राहुल गांधी ऐसी चाचाओं मामाओं के बीच घिरे हुए हैं और उन्हें अपनी राजनीतिक दिखाने का मौका ही नहीं मिल रहा। राहुल गांधी पहले भी लोकतांत्रिक तरीके से मुख्यमंत्रियों का चुनाव करना चाहते थे, लेकिन तब उन्होंने मुंह की खाई। मध्य प्रदेश में उन्होंने लोकतांत्रिक आधार पर कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया तो सिंधिया नाराज हो गए, पार्टी से चले गए और सरकार भी गिर गई। राजस्थान और पंजाब में भी इसलिए कुछ यही घोषित तौर पर नहीं तो आपको बताते चले, कांग्रेस पार्टी में लोग मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कोई गांधी परिवार से ही होगा। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया भी गया, आपने खुद ही पद छोड़ा है, आपके नेतृत्व में 2 लोकसभा चुनाव भी पार्टी हार गई। बावजूद इसके उन्हें अध्यक्ष बनने को कहा गया, लेकिन वह ना तो खुद बन रहे हैं और ना ही किसी को बनने दे रहे, लेकिन फैसले तो सारे के सारे राहुल गांधी ही ले रहे हैं। लेकिन जब आप अध्यक्ष नहीं है तो फैसले क्यों ले रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल। राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं है आपको बताते चले, ऐसे में वह किस आधार पर निर्णय ले रहे हैं, इस बात में वजन है। कांग्रेस पार्टी अगर गांधी परिवार की धरोहर है तो वह अध्यक्ष पद के लिए आनाकानी क्यों कर रहे हैं, या समस्या परे है। अगर वह अध्यक्ष पद पर रहते हुए निर्णय लेंगे तो उनकी सार्थकता कहीं अधिक होगी। राहुल गांधी की भूमिका इस सवाल पर कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता शमा कहती है कि जेपी नड्डा किस पार्टी के अध्यक्ष, लेकिन फैसले कौन ले रहा है, अमित शाह। जानकार कहते हैं कि पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने पंजाब को पहला दलित मुख्यमंत्री दिया, लेकिन चन्नी उतना बड़ा नाम नहीं है। राज्य में कुछ ही महीनों में चुनाव है और ऐसे में चन्नी के पास समय भी कम है, और अगर कांग्रेस को दलितों को साधना है तो उसे सत्ता में बने रहना होगा। इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है कि आप सत्ता में रहकर ही किसी वर्ग के लिए विशेष तौर पर काम कर पाएंगे, लेकिन क्योंकि चन्नी के पास समय कुछ महीनों का ही है तो ऐसे में यह फैसला कितना सही होगा या तो चुनाव परिणाम ही बता पाएंगे। स्पेशल डेस्क आर्य न्यूज। चलिए इस रिपोर्ट के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्य न्यूज।